केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला है। सूत्र बता रहे हैं केजरीवाल को ईडी ने छठे दफे भेजा है समय और 19 फरवरी को केजरीवाल को इस मामले में पेश होना होगा। अभी तक किसी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और ऐसे में लगातार ईडी उनकी धरपकड़ की कोशिशें कर रही है। समन पर समन उन पर जारी किए जा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो इस वक्त समन जारी हुआ है इसको लेकर डिटेल्स क्या सामने आ रही है? पहली खबर तो यह है कि 19 फरवरी को केजरीवाल को पेशी का समन दिया गया है, और क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने बकायदा इस बात की शिकायत कोर्ट के अंदर भी की है, संबंधित कोर्ट को, कि आखिरकार केजरीवाल हर बार समन दिए जाने के बाद पेश नहीं हो रहे हैं। 5 समन उनको दिए जा चुके थे और उसके बाद जब वो पेश नहीं हुए तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोर्ट ने बकायदा केजरीवाल को 17 तारीख के लिए तलब किया हुआ है। अब ईडी ने एक बार फिर छठा समन भेजा है केजरीवाल को, आबकारी घोटाले में समन किया गया है केजरीवाल को, कि ताकि उनसे जो सवाल राघव मंगुंठा, इसके अलावा जो सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के सरकारी सचिव थे, उन्होंने जो बयान अपने दर्ज करवाए, उन सभी के बयानों की एवज में केजरीवाल से जवाब लेना बेहद जरूरी है। तो लिहाजा ईडी की लगातार कोशिश है कि केजरीवाल सामने आए और आबकारी घोटाले से जुड़ी जांच में शामिल हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।